हरियाणा में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला झज्जर के गांव खुड्डन से सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। विवाहिता की पहचान 32 वर्षीय रेखा पत्नी मंजीत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रेखा पिता धर्मलाल ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी कि उसकी बेटी रेखा को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। धर्मपाल की सूचना पर ही पुलिस गांव खुड्डन पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किए जाने के बाद मृतका के शव को झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। सुबह हमारे पास जो है ना, मृतका के पिता ने धर्मपाल ने कंट्रोल रूम में फोन कराया था और वहां से हमारे पास सूचना मिली कि मेरी लड़की रेखा को जला कर मार दिया खुड्डन में। तो वहाँ पहुंचे, पहुँच कर उसने मौके पर हमारे को दरख्वास्त दी, जिसका हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में ले आ दी। पति और ससुर और जेठ और उसकी पति की बुआ के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी है। 302 का हत्या का मामला हमने दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम करा दिया सर? पोस्टमार्टम अभी PGI के लिए डेड बॉडी को रेफर किया है, वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई में ले आ। थाना मछरौली SHO दिलबाग सिंह की माने तो उन्हें गांव खुड्डन से सूचना मिली थी कि एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेखा की मौत नहीं हुई है बल्कि हत्या की गई है, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। फिलहाल अब महिला ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है, ये तो पुलिस की जाँच में सामने आ पाएगा। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ये कहीं न कहीं समाज के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।